वंदे मातरम। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। प्राइम न्यूज में दरअसल आज बात उस हिंदुस्तान की करेंगे जिसके हर एक सिरे को हमने आज छूने की कोशिश की है, यानी बात जनसंख्या की भी होगी, बात हिंदुस्तान के गरीबों की भी होगी, बात बेरोजगारों की भी होगी, और साथ ही साथ हम बात इस बात पर भी करेंगे कि बुनियादी जो ढांचा है हिंदुस्तान का, उस बुनियादी ढांचे को ठीक करने में कितना वक्त लग जाएगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो हिंदुस्तान को साकार करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और हिंदुस्तान के मसले के हर समाधान के लिए इन तमाम तस्वीरों की तरफ हर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं कि आज प्राइम न्यूज़ की कवर स्टोरी में हमने किन किन बातों का जिक्र किया है, जिसका विस्तार से आपको जानकारी भी मिल पाएगी, आकलन भी हम कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी की। सबसे पहले कवर स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की आबादी और उस आबादी से जुड़ा वोट बैंक, जिसको लगातार टटोलने की कोशिश राजनेताओं की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जाती है, और कहा जाता है कि गैर बराबरी का जो ये वोट बैंक है उसको भी बराबरी से तौलते हैं, आंकते हैं राजनेता और राजनीतिक पार्टियाँ। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के उन 19 गरीब लोगों की भी बात होगी जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, साथ ही साथ हिंदुस्तान के उन करोड़ों बेरोजगारों की बात करेंगे जिनके भविष्य को तलाशना और जिनके भविष्य में जो बुनियादी दिक्कतें हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है, इसकी भी बात होगी। और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो हुआ उसमें जिस बात का जिक्र किया गया कि बुनियादी ढांचा हिंदुस्तान का ठीक करने के लिए 2040 तक का एक सफ़र तय करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को आज हम प्राइम न्यूज़ में आंकड़ों के साथ आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अपनी पहली रिपोर्ट में आज आपको हम बताएंगे कि हिंदुस्तान जिसकी आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और जनसंख्या विस्फोट की वजह से एक युवा देश बनकर के हिंदुस्तान उभरा है, लेकिन इस युवा देश में जो युवा है वो क्या संतुष्ट है? उस युवा देश के सपनों को संजोने का काम क्या हिंदुस्तान की सरकार कर पा रही है? मौजूदा सरकार की ही बात नहीं होगी जनाब, ये जो सिलसिला, ये जो फहरिस्त है, इसमें कई पुरानी सरकारों की जिम्मेदारी और भूमिका रही है। क्या उन्होंने किया, मौजूदा दौर में क्या स्थिति है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। गैर बराबरी की रोटी पर बराबरी का वोट ही है लोकतंत्र, ये हम आपको बता नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम इस बात में उलझ चुके हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जिस बुनियादी ढांचे को सुधारने के नाम पर हर बार जनता को ठगा जाता है, और अब कहा जा रहा है कि बुनियादी ढांचे को सुधारने में 2040 तक का समय लग जाएगा। देश की जनसंख्या 1,34,78,47,740 से ज्यादा की हो चुकी है। देश में 19 करोड़ से ज्यादा की आबादी आज भी भूखे पेट सोने को मजबूर है, तो ये कैसे मान लें कि गैर बराबरी पर बराबरी का वोट ही लोकतंत्र है? चुनाव का सीजन और वोट की मंडी ही वो दरबार है जहां समाज के सभी लोग देश बदलने और अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन इन्हीं चुनाव में जिस तरह से पैसा बहाया जाता है, अगर आप उसकी कीमत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये तो लोकतंत्र है साहब, यहाँ चुनाव चुनाव आयोग की घोषणा के बाद होता है, लेकिन चुनाव में पैसा चुनाव आयोग के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च होता है। एक और देश में बुनियादी ढांचा मजबूत करने की बात होती है, किसानों की हालत सुधारने की बात होती है, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की बात होती है, और सरकार अपने बजट का मसौदा तैयार करने में जुटी है, और मंदी की दौर से जूझ रही अर्थव्यवस्था के बावजूद भी बेबाकी से बेहिसाब पैसा चुनाव में बहाया जाता है। गौर करना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत बयां करने के लिए सरकार की ओर से ही फिल्मी संवाद का सहारा भी लिया जा रहा है। इन तमाम बातों पर अगर गौर करें तो सरकार की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि बुनियादी ढांचा 2040 तक ठीक हो पाएगा, तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि 2022 में नए भारत का सपना साकार होते होते 2040 आ जाएगा? क्योंकि अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था उस रेलगाड़ी की तरह हो जाएगी जिसे रफ्तार पकड़ते ही फिर से रोकने के लिए लाल सिग्नल दे दिया जाता है। एक ओर चुनाव में खर्च हो रहा बेहिसाब पैसा और दूसरी ओर देश में पड़ा रोजगार का अकाल, कुल मिलाकर दोनों ओर से सरकार के लिए चुनौतियां कठिन नहीं बहुत कठिन होने वाली हैं।
आज हम आपको इसकी तह तक ले जाएंगे कि आखिर क्यों हम ये पूछने पर मजबूर हो गए कि गैर बराबरी की रोटी पर बराबरी का वोट ही लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र के नाम पर चुनावी तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि वो लोकतंत्र पर पूरी तरह से हावी है, या फिर लोकतंत्र के असल मिजाज को खारिज कर चुनाव को ही जानबूझकर लोकतंत्र करार दिया जाए। देखिए प्राइम न्यूज की अगली रिपोर्ट में और खुद सोचिए कि आखिर हम आज आपसे ये सवाल पूछने पर क्यों मजबूर हो गए कि क्या गैर बराबरी की रोटी पर बराबरी का वोट ही लोकतंत्र है। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। हिंदुस्तान की आबादी का वो 4,85,00,000 का तबका जिसको हम बेरोजगार युवा की कैटेगरी में रखते हैं, युवाओं को क्या चाहिए? अदद नौकरी और अच्छी जिंदगी। लेकिन ये 4,85,00,000 तो वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ऐसों की तो कोई संख्या ही नहीं है जो गैर रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं हिंदुस्तान में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे उन युवाओं तक सरकार की नीतियां पहुंचेंगी और सरकार उन युवाओं के लिए रोजगार किस तरीके से तैयार कर पाएगी। हालांकि मौजूदा सरकार का ये कहना है कि इस बजट के बाद सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी एक चीज़ पर सरकार का होगा तो वो है रोजगार मुहैया कराना। लेकिन देखिए उन युवाओं का दर्द क्या है। अगर सियासत की कहानी चमकानी है तो जनता के दिल में उम्मीद जगानी पड़ेगी। राजनीति चमकाने का ये वो सूत्र है जिसके सहारे राजनीति भी चमक जाती है और सत्ता भी मिल जाती है। कुछ इन्हीं उम्मीदों के सहारे 2014 लोकसभा चुनाव का आगाज भी किया गया था। जनता के दिलो दिमाग में ये बात बिठाई गई थी कि जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 60 महीनों में होगा, और अगर हर 5 साल बाद कुछ सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो वो ये कि देश थोड़ा गरीब हो जाता है और सियासतदान थोड़े रईस। चुनाव के बाद हमें ये भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि भारत में चुनाव के दौर में नया भारत किस उम्मीद पर बनाया जाता है, और हर चुनाव के बाद ये सवाल और बड़ा होता चला जाता है क्योंकि चुनाव दर चुनाव बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 4,85,00,000 युवा बेरोजगार थे। बेरोजगारी दर 12.9% पार कर चुकी थी और देश में सिर्फ 2,96,50,000 लोगों के पास ही रोजगार था। 9,26,76,000 किसान परिवारों की आय देश की औसत आय से कम थी। 11,90,98,000 मजदूर परिवारों की आय किसानों की औसत आय के आधे से कम है। इसीलिए हमें ये बात सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या गैर बराबरी की रोटी पर बराबरी का वोट ही लोकतंत्र है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे देश में चुनाव पर सबसे ज्यादा रईसी के साथ पैसा खर्च किया जाता है। क्योंकि एक सच तो ये भी है कि देश के किसान को 2 जून की रोटी के लिए जितना मिल रहा है उससे 1,000 से 2,00,000 ज्यादा गुना पैसा देश में चुनावी लोकतंत्र को जीने में खर्च हो जाता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव सत्ता सियासत राजनीति से खत्म होती जनता की उम्मीदों को बरकरार रखने का एक तरीका मात्र है, जिससे कि जनता का भरोसा संसद से डिगे ना? क्योंकि सत्ता परिवर्तन की ताकत को ही लोकतंत्र माना गया है और बराबरी के वोट को ही गैर बराबरी की रोटी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया गया है, और शायद तभी हमें ये पूछने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या गैर बराबरी की रोटी पर बराबरी का वोट ही लोकतंत्र है। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। किसी भी मुल्क को अगर विकास के रास्ते पर आपको दौड़ाना है तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो ये बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मजबूत है ऐसा नहीं है। इससे इतर एक दूसरी तस्वीर ये भी सामने आती है कि जिस अर्थव्यवस्था के दुहाई देकर विकास के रास्ते में रुकावटों का लेखा जोखा पेश किया जाता है, उसी हिंदुस्तान में जब चुनाव होते हैं तो करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं चुनाव कराने में। इसलिए वन नेशन वन पोल की बात सामने आ रही है कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन, और उसी इलेक्शन में तमाम चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो वहीं पर उसका निपटारा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं था, होता था, लेकिन वो तस्वीर बदल गई और आज पूरे हिंदुस्तान में कोई कोई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर एक ही साथ चुनाव हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है जरा पैसों को जब आप देखेंगे कि इलेक्शन में जो पहला इलेक्शन था और लेकर के अब तक इलेक्शन में कितना पैसा हर बार खर्च किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के कई सिरे हैं और हर एक सिरा देश की जनसंख्या से जुड़ा है। देश की आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ गरीबी भी बढ़ रही है, गरीबी के साथ चुनौतियां बढ़ रही हैं और इन चुनौतियों के साथ खर्च भी बढ़ रहा है।
लेकिन उन खर्चों को अगर समझना है तो उसका दूसरा पहलू यानी कि चुनाव में खर्च होने वाले पैसे हैं। देश का अच्छा खासा पैसा चुनाव में खर्च होता है, लेकिन इसके बाद भी अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी जैसी बीमारियां हैं जो चुनाव दर चुनाव बढ़ती जाती हैं, और इनके साथ चुनाव में खर्च होने वाले पैसों में भी बढ़ोतरी होती जाती है। और अगर आप आज़ादी के बाद चुनाव दर चुनाव बढ़ते खर्चे को देखेंगे तो दांतों तली उंगलियां दबा लेंगी, क्योंकि भारत में ही 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 1,00,000 करोड़ के वारे नारे खुले तौर पर हुआ है। शायद ही किसी को पता हो, लेकिन भारत में ही लोकसभा सीटों पर सट्टा भी लगता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये सट्टा 60,000 करोड़ से ज्यादा का था। खैर, अब एक नज़र आज़ादी के बाद हुए चुनाव पर खर्च पर। आज़ादी के बाद पहले चुनाव का कुल खर्च 11,25,00,000 रुपए का हुआ था। 1952 में चुनाव आयोग के खर्च में ही चुनाव संपन्न हो गए थे। 1952 में चुनाव आयोग को प्रति वोटर 60 पैसे खर्च करने पड़ते थे, जबकि 2014 आते आते ये खर्च 60 पैसे से 473 रुपए हो चुका था। 1952 में चुनाव आयोग का कुल खर्च 10,30,00,000 रुपए था। 1952 में 17 करोड़ वोटर थे। 2014 में चुनाव का खर्च 3,500 करोड़ पार कर चुका है। 2014 में 81 करोड़ वोटर थे। लेकिन असल सवाल चुनाव आयोग के खर्च का नहीं है, सवाल है चुनाव लड़ने या जीतने के लिए दोनों हाथों से उड़ाए जाने वाले बेहिसाब पैसों का। 1952 में सभी उम्मीदवारों ने अपने चुनाव पर सिर्फ 75,00,000 रुपए खर्च किए थे, जबकि 2014 में उम्मीदवारों का खर्च 30,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। चुनाव किस तरह से बिजनेस में तब्दील हो चुका है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। 1952 में सभी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में 75,00,000 रुपए खर्च हुए, जबकि 2014 में हर उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में 70,00,000 रुपए खर्च कर सकता था। दूसरी ओर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में औसतन 5 करोड़ तक का खर्च हर सीट पर पहले 3 उम्मीदवारों ने किया, और बाकी उम्मीदवारों का औसत खर्च 2 करोड़ से ज्यादा का था। यानी 2014 के चुनाव का जो खर्च 34,000 करोड़ नजर आ रहा है, वो और कितना ज्यादा होगा इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। और चुनाव में इतने पैसे खर्च होने के बाद भी देश में अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो है गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी। लेकिन फिक्र किसे है, क्योंकि गैर बराबरी की रोटी पर बराबरी का वोट ही लोकतंत्र है। प्राइम डेस्क, जनता टीम। रुकें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज में, उस एक खबर का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे जो आपको ये बताने के लिए काफी होगा कि आखिर 2040 तक बुनियादी ढांचा कैसे ठीक होगा। बुनियादी ढांचा, इसमें जो बुनियाद शब्द है इसी से आप समझ सकते हैं कि बुनियादी ढांचा किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसका इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करें तो वो अच्छा नहीं है। ये मौजूदा सरकार इस बात को मानती है, और आज़ादी के 70 साल के बाद भी अगर बुनियादी ढांचा बेहतर नहीं है तो सोचने वाली बात है। मौजूदा सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि 2040 तक अगर लगातार बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए काम किया गया तभी बुनियादी ढांचा ठीक हो पाएगा। ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि बुनियादी ढांचा बेहतर हो, क्योंकि बुनियाद अच्छी होगी तो इमारत मजबूत बनेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत बदल रहा है, इसकी कई तस्वीर आपके सामने आई होंगी, लेकिन भारत की आबादी जिस रफ्तार से बदल रही है उससे हम युवा देश तो बन रहे हैं, या कह लीजिए कि बन गए हैं, लेकिन उस युवा देश की बुनियाद में कितनी सहूलियतें हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो काला अक्षर भैंस बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसी देश में पैसे की कमी हो ऐसा बजट को देखकर लगता नहीं। 1951 के पहले बजट से लेकर 2017 के बजट तक रोजगार पैदा करने, किसानों की स्थिति सुधारने, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीदें और तकरीरें हर साल और हर बार के बजट में रही जरूर, और आने वाले 1 फरवरी को भी यकीनन रहेगी, क्योंकि 2018 में भी हम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बुनियादी सुविधाओं को मुकम्मल करने की बात कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें इस बात का जिक्र था कि समावेशी विकास, रोजगार केंद्रित उद्योग और लचीले बुनियादी ढांचे को लेकर उठाए गए कदमों से देश में कारोबारी वातावरण बेहतर हुआ है। इसके साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से पेश किए गए सर्वे में ये भी कहा गया
कि देश में छात्र कमरा और शिष्य शिक्षक अनुपात में भी सुधार हुआ है। अप्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या में भी 50% का इजाफा हुआ है। कुछ क्षेत्रों में देश आगे जरूर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले 25 साल में लगभग 4,500 अरब डॉलर की जरूरत होगी, जिसमें से भारत लगभग 3,900 अरब डॉलर जुटा लेगा। इस सर्वे से एक सवाल ये भी उठता है कि 70 बरस बाद भी हम अभी विकास की बुनियाद पर अटके हुए हैं। विकास की इमारत और इबारत ख्वाब में भी अभी कोसों दूर सा लगता है। सर्वे के मुताबिक वैश्विक बुनियाद ढांचे के हिसाब से बढ़ते आय और आर्थिक संपन्नता के अगले 25 साल में भारत में बुनियादी ढांचे के लिए मांग और बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि को बल देने और सामुदायिक कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2040 तक 4,500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। इसके मुताबिक मौजूदा रुख के हिसाब से भारत 4,500 अरब डॉलर में से बुनियादी ढांचे के लिए 3,900 अरब डॉलर जुटा सकता है। FDI का प्रत्यक्ष फायदा यही है कि इससे देश में विदेशी निवेश बढ़ने, रोजगार के साथ ही इस बुनियादी ढांचे के लिए भी बल मिलता है, जिसकी बात इस सर्वे में की गई है। यकीनन भारत कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से आगे है, पर भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भूखे पेट भारत में सोते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है, भ्रष्टाचार का डंक हर कदम पर लगता रहता है, महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खोखले वादे होते हैं। पर एक उम्मीद है कि सरकार का ये बजट बदलाव की एक पहल लाएगा और भारत के विश्व गुरु बनने की कवायद में एक भूमिका निभाएगा। प्राइम डेस्क, जनता टीवी। तो इसी के साथ प्राइम न्यूज के पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और विस्तार के साथ किसी एक मसले पर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।